राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ते हुए वहां के लोगों के साथ अपने रिश्ते को लेकर बेहद भावनात्मक बात कही। उन्होंने कहा कि वायनाड के लोगों ने उस वक्त उन्हें ऊर्जा दी जब वो मुश्किल समय से जूझ रहे थे। अब प्रियंका गांधी वहां से खाली हुई सीट पर बाई इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार ने दक्षिण के रास्ते राजनीति की पगडंडी पार करने का मन बनाया। आपातकाल के बाद रायबरेली सीट से जब इंदिरा गांधी का कमबैक करना मुश्किल था, उस वक्त कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट ने उनके राजनीतिक जीवन के लिए संजीवनी का काम किया। उस दौरान 1978 के उपचुनाव में उनके लिए एक सुरक्षित सीट तलाशी गई। ये सीट थी कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट। मौजूदा सांसद डीबी गौड़ा से सीट खाली करवाई गई। यहाँ इंदिरा के सामने चुनौती मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल से भिड़ने की थी, और ऐसे में इंदिरा गांधी के लिए एक नारी की भी खोज हुई, जो कांग्रेसी नेता देवराज उर्स के नारे एक शेरणी सौ लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर पर रुकी। भाषा के मर्यादा पर खरा न उतरने के बावजूद यह नारा चल निकला। कहा जाता है कि उस उपचुनाव के प्रचार के लिए इंदिरा खुद 17 से 18 घंटे तक प्रचार कर रही थी। चुनाव का नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आया और इंदिरा गांधी ने 77,000 वोटों से जीत हासिल की और उनके विपक्ष में खड़े 26 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। दक्षिण की बिल्लारी से भी कांग्रेस का दिलचस्प संबंध है। साल 1999 में कर्नाटक की बिल्लारी सीट से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने भी अपना पहला चुनाव सीट से लड़ा। उनके मुकाबले बीजेपी ने अपनी तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज को उतारा। दोनों नेताओं की भिड़ंत की वजह से बिल्लारी सीट राष्ट्रीय राजनीति में खासी अहम साबित हुई, क्योंकि सुषमा ने भी ये सीट जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। हालांकि सुषमा स्वराज को हराने के बाद सोनिया गांधी ने बिल्लारी सीट को छोड़ दिया और अमेठी को चुना। साल 2019 में अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी भी वायनाड सीट से लोकसभा पहुंचे। अब प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति की पिच भी दक्षिण भारत में ही तैयार की जा रही है। वो वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस को उम्मीद होगी कि इस बार भी दक्षिण बीते कल की तरह उन्हें निराश नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।